हानियास किचन में आपका स्वागत है। बेहतरीन, जायकेदार और लजीज पकवान सीखने के लिए हानियास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज हम मटन कीमा बनाएंगे। मटन कीमा के इंग्रेडिएंट्स हैं आधा किलो मटन, मैंने दो तीन हड्डियाँ भी डला दी हैं मटन में, दो लार्ज साइज प्याज इस तरह बारीक काट लीजिएगा, 250 ग्राम मटर, दो मीडियम साइज टमाटर इस तरह गोल काट लीजिए, जल्दी गल जाएंगे, 8 से 10 हरी मिर्च, दो छोटे साइज आलू, खड़ा गरम मसाला में मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 फूल, दालचीनी, 4 इलायची, 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लहसुन अदरक देखिए इतना ले लीजिए, 1 अखा लहसुन मैंने लिया है और 1 इंच अदरक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले कुकर में हम तेल ले लेंगे, तेल आप ज़्यादा लीजिएगा, जितना ज़्यादा तेल लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होती है मटन और चिकन की डिशेस। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें ये खड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, और इसे कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कीजिए। अब इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए और इसे लाइट गोल्डन होने तक पकाइए। गैस को आप तेज आंच पे रखिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि प्याज जल्दी से लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारी प्याज पक रही है मैंने ग्राइंडर में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये जीरा ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। देखिए इसे इतना बारीक पीसना है, हमारा हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट रेडी है। देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन होने लगी है, अब आप इसमें कीमा डाल दीजिए। गैस को स्लो आंच पे कर दीजिए। कीमा को 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनिए ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए प्याज में। पुस्तक के लिए इस तरह चलाते रहिएगा कीमा को, चाहिए तो आप गैस को मीडियम आंच में आप रख सकते हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। गैस को तेज आंच पे रखिए, ये पेस्ट डालने के बाद फिर से कीमा को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए, जब तक ये लहसुन अदरक की रॉ स्मेल खत्म ना हो जाए तब तक भूनिए कीमा को। जितना ज़्यादा आप भूनेंगे कीमा को उतना ज़्यादा अच्छा इसका ग्रेवी होता है। अब इसमें ये आलू और मटर डाल दीजिए, और कुछ मिनट तक इसे सॉटे कर लीजिए। इसी कुछ सेकंड सॉटे करने के बाद अब इसमें हम टमाटर और सारे सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार,
अब इसे अच्छे से मिला लीजिए और मसाले को कीमे में 5 मिनट तक पकने दीजिए। गैस को स्लो आंच पे रख दीजिएगा। मसाला अच्छे से कीमे में भुन जाए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर कुकर लगा देंगे। मसाला हमारा अच्छे से कीमा में भुन गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लीजिए। हाँ, ढक्कन लगा दीजिए। गैस को तेज आंच पे कर दीजिए। सबसे पहले 1 तेज सीटी दीजिए, फिर गैस को स्लो करके 2 स्लो सीटी दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। जब आपका प्रेशर सेटल हो जाए तब आप कुकर खोल दीजिए। अच्छे से इसे मिला लीजिए। देखिए आलू भी गल गया है अच्छे से। अब इसे गैस पे 2 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने दीजिए। ऊपर से चाहिए तो आप इसमें भुना हुआ गरम मसाला पाउडर या जीरा पाउडर डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून और अच्छा जायका हो जाएगा कीमे का। रेस्टोरेंट में कितने लोग तो इसमें धुआं भी देते हैं कीमा में। धुआं देने से कीमा का जायका और अच्छा हो जाता है। अब आप गैस बंद कर दीजिए और ये कोथमीर डाल दीजिए। कोथमीर डाल के अच्छे से मिला लीजिए। और इसे सर्विंग बाउल में ले लीजिए। हमारी कीमा मटर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म रोटियों या चावल के साथ खाइए।